अगर आप किसी ट्रेंडिंग डे का वेट कर रहे हो कि आपको ट्रेंडिंग डे चाहिए, आप ट्रेंडिंग डे देखना चाहते हो, उस दिन कैसी मूवमेंट होगी, तो उस दिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी। उस दिन स्लो एंड ईजी कैंडल्स बनेंगी, जैसे कि ये अगला दिन था, ये देखो ये 19 जुलाई है, पूरे दिन भर प्राइस सिर्फ नीचे जा रही थी, राइट। ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक टू फाइंडिंग बुल्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डज द प्राइस मूवमेंट मैटर। हम यूजुअली प्राइस को सिर्फ ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हुए देखते हैं, हम उसको रेगुलरली ट्रैक करते हैं, लेकिन हम वो कैंडल कैसी बना रही है, किस हिसाब से वो जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, कितनी बार वो वापस नीचे आई ऊपर जाने के लिए, या कितनी बार वो सीधे के सीधे उसने रैपिड कैंडल बनाई या फिर एक जंप में वो पहुंच गई, ये सारी चीज़ें हम देखते नहीं हैं। बस हम ये देखते हैं कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच गई। बट द जर्नी एक्चुअली मैटर्स, जस्ट लाइक आवर लाइफ्स, कैंडल की जर्नी भी मैटर करती है कि कैंडल एक ऐसी टाइप की कैंडल बनाई है, किस हिसाब से वो जा रही है, कितना टाइम ले रही है, और किस टाइप की बीच बीच में कैसी कैसी कैंडल बनी है, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है या बहुत छोटी कैंडल बनी है, या मिक्स कैंडल बनी है या सिर्फ एक ही कलर की कैंडल बनी है। एवरीथिंग मैटर्स, एवरी डिटेल मैटर्स। और ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों मैटर करता है और ये कैसे आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। हमारे टॉपिक का नाम है व्हाई डज द प्राइस मूवमेंट मैटर। मूवमेंट का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइस कैसे मूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ए टू बी पॉइंट जब जा रही है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, कैसी कैंडल बना रही है वो, कितना रैपिडली जा रही है, कितना स्लो जा रही है, दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय मूवमेंट। सो अगर आप ये चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, तो ये देखो ये हमारा ए पॉइंट था, यहाँ से बी पहुँचने में इसे 6 कैंडल लगी और सारी की सारी रेड कैंडल थी। सो ये एक तरीका था पहुँचने का। ऑन दी अदर हैंड, अगर यहाँ से वापस जब प्राइस ऊपर गई तो ये देखो 10-15 कैंडल लगी है और उतनी रेंज भी कवर नहीं कर पाई, ये दूसरा तरीका था। सो ये दो टाइप की मूवमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये क्यों मैटर करती है और ये आपको क्या हिडन फैक्ट बता सकती है प्राइस के बारे में, प्राइस मूवमेंट के बारे में, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ये समझेंगे हम इस वीडियो में। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है, एक को आप स्प्रिंट बोल सकते हो और दूसरी अपनी है मैराथन। सो जैसे स्प्रिंट और मैराथन में फ़र्क होता है कि स्प्रिंट में बस भागना होता है, हमें 10 सेकेंड में पहुँचना है ए टू बी पॉइंट, और मैराथन में क्या होता है कि आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सो यू नो कि आप एक स्प्रिंट नहीं मार पाओगे, आप स्लो एंड ईजिली जाओगे। सो दिस इज़ द साइकोलॉजी हियर ऑल्सो। इसको अगर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जब देखोगे भी, तो यू विल रियलाइज़ कि हाँ, मार्केट हमें ये बेसिक क्ल्यूज़ देती है जो कि हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, और ये बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी है। सो ये चीज़ें हमें मार्केट में भी दिखती हैं, हम यूजुअली इन्हें इग्नोर कर देते हैं या फिर हम ध्यान नहीं दे पाते जब हम लाइव मार्केट में बैठे होते हैं, हम इमोशन से घिरे होते हैं। बट आप लॉजिकली देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये मूवमेंट्स बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन ये होती हैं, और ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा जानना, एंड इट विल मेक अ चेंज इन योर ट्रेडिंग। सो अगर मैं आपको यहाँ पे बेसिक फंडा बताऊँ, तो द स्टीपर द प्राइस गोज, देयर आर मोर चांसेस कि इट विल कम बैक टू द सेम प्लेस। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि प्राइस अगर बहुत स्टीप और बहुत रैपिड रन मार रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो वापस आएगी वहीं पे, और अगर प्राइस स्लो एंड ईजिली जा रही है दैन इट कुड सस्टेन देयर, जस्ट लाइक स्प्रिंट। अगर आपको स्प्रिंट करनी है तो आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड कर सकते हो, 1 मिनट कर सकते हो एट मैक्स। लेकिन आपको अगर कोई बोले कि 2 घंटे तक स्प्रिंट करनी है, यू कॉन्ट डू दैट। 2 घंटे तक आप जॉगिंग कर सकते हो। सो दिस इज़ वॉट विद द मार्केट ऑल्सो, आप 2 घंटे तक बस बैक टू बैक भाग ही नहीं रहे हो। अगर आपका बुलिश मूड है तो आप ग्रीन पे ग्रीन कैंडल नहीं बना सकती मार्केट 2 घंटे तक बैक टू बैक, और ना ही ऐसे ही रेड कैंडल बना सकती है 2 घंटे तक। अगर उसे ए टू बी पॉइंट पहुंचना है, अगर वो बुलिश मूड में भी है, तो भी वो ग्रीन कैंडल बनाएगी 2-3, और फिर एक रेड कैंडल बना देगी, फिर ग्रीन कैंडल बनाएगी, फिर रेड कैंडल बनाएगी। दिस इज़ हाउ द मार्केट गोज। हम क्या समझते हैं कि ट्रेंडिंग डे का मतलब क्या है, कि ट्रेंडिंग डे में मार्केट 90 डिग्री के हिसाब से जानी चाहिए। 90 डिग्री थोड़ी जा सकती है मार्केट। मार्केट अगर 45 डिग्री 30 डिग्री पे चल रही है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग डे। तो और उसमें वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल सब मिक्स बनता है। अगर आप किसी ट्रेंडिंग डे को भी उठा के देखोगे तो वहाँ पे 25% से लेकर 50% तक जिस ट्रेंड में वो चल रहा था उसके अगेंस्ट वाली कैंडल बनी होंगे, अगेंस्ट कलर की। अगर बुलिश मार्केट चल रही है तो देखना उसमें 25% to 55% रेड कैंडल मिलेंगी आपको। ऐसे ही अगर बियरिश मूड है तो आधी से ज़्यादा आपको ग्रीन कैंडल मिलेंगी। दिस इज़ हाउ द ट्रेंडिंग मार्केट वर्क्स, नॉट लाइक कि एक ही टाइप की कैंडल बननी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। सो दिस इज़ वाई यू नीड टू नो दिस कि प्राइस की मूवमेंट कैसे हो रही है, ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप उसको फॉलो कर सको तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस, जैसा मैंने बताया कि बहुत अगर रैपिडली जा रही है, तो देर आर चांसेस कि वो बहुत जल्दी उसका वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा, एंड देर इज़ गोइंग टू बी ए रिवर्सल कैंडल या फिर एक अपोजिट कलर की कैंडल बनेगी जो उसका मोमेंटम तोड़ेगी। सो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको, और ये देखना कि आप, ये 2 जुलाई का चार्ट है, ये इस मंथ में कितनी बार हुआ है ये आप नोटिस करना कि ये कितना रैपिडली होता है मार्केट में, हम नोटिस भी नहीं करते हैं इसको। ये देखो मार्केट स्टार्ट हुई थी 2 जुलाई को, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, एंड देन वापस रिवर्स हो गया, क्योंकि ये 5-6 बैक टू बैक रेड कैंडल थी। इसको देख के ये लग रहा होगा कि यार इसने तो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है, बियरिश एक बार के लिए कर दिया है, लेकिन आप इसमें एंटर कहाँ पे करोगे? ये एक तो कैंडल ही बहुत बड़ी बड़ी है और बैक टू बैक कैंडल बन रही है, इट वॉज सपोज टू बी ब्रोकन,
सो दिस इज वॉट हैपन्स एंड देन उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गई, राइट ऐसे ही अगर आप आगे देखोगे, ये देखो ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनी, फिर से प्राइस रिवर्स ही हो गई और या फिर कंसोलिडेशन में चली गई, ठीक है। ये देखो ये दो बड़ी कैंडल ने कितना बड़ा मूव किया है, 24,220 से लेकर 320, 100 पॉइंट से भी ऊपर इसने दो कैंडल में निफ्टी भाग गया है और फिर उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन आ गया क्योंकि उसका फ्यूल ख़त्म हो चुका है, दो में ही उसने इतना फ्यूल लगा दिया कि बस अब ख़त्म हो गया। एंड देन यहाँ पे लोग या तो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे या कुछ भी हो रहा होगा, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, सेलर बैठे हैं, सो प्राइस रिजेक्ट हो गई एंड वहाँ से टर्न हो गई, जितना रैपिडली गई वैसे ही नीचे आ जाती है, राइट। ये प्राइस देखो ये कितना रैपिडली नीचे आ रही है, ये सही था इसका मोमेंट यहाँ पे कि एक कैंडल बनाई फिर दो तीन कंसोलिडेट किया फिर नीचे आ रही है, फिर ये रैपिड मूव्स जैसे ही आने लगे वैसे ही प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, वैसे ही वापस रिवर्सल आ गया। फिर से देखो सो इट्स ऑल ओवर द प्राइस, ये देखो तीन कैंडल ऊपर गई, तीन कैंडल में इतना बड़ा रन मारा एंड देन वापस चार कैंडल में 50% से ज़्यादा रिजेक्शन आ गया। सो आप किसी भी दिन को उठा के देख लो, हर दूसरे दिन ये कैंडल में मूवमेंट हो रही है, सेम हियर हर दिन ये मूवमेंट हो रही है कैंडल्स में, हर दूसरे दिन आपको ये मिल जाएगा पैटर्न। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मार्केट में होती है और हम इसको मिस कर देते हैं। सो इससे आप कैसे आपको ये ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करेगा, ट्रेडिंग में बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि यार अब आप अगली बार जब देखोगे कि ये देखो इतनी रैपिडली प्राइस जा रही है, देन यू विल स्टे कॉशियस कि अब ये इतनी स्पीड से जा रही है तो ये एक जगह पे स्टॉप लगाएगी, सो आई शुड नॉट एंटर इनटू इट। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप फर्स्ट से आपने स्कैल्प किया और अपना ट्रेड लेके निकल गए, दैट इज़ गुड। बट आप किसी पोजिशन में बैठना चाहते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ पावर कैंडल्स, तो ऐसे मत बैठना, दैट वुड बी हार्मफुल फॉर योर पोर्टफोलियो। सो इस मूवमेंट से जब आप नेक्स्ट टाइम इस मूवमेंट को देखोगे कि बहुत रैपिड मूवमेंट आ रहा है कहीं पे, अगर ये आप फिर से नेक्स्ट टाइम देखते हो तो आप ये रिमाइंड करना अपने आपको कि ये रिमाइंड कराना अपने आपको कि यार ये प्राइस ना ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। सो मैं आपको क्ल्यू दे रहा हूँ बेसिकली कि नेक्स्ट टाइम आपको प्राइस कैसे देखनी है, अगर ये बुलिश बहुत ज़्यादा जा रहा है ऐसे तो ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये रिवर्स हो जाएगा या कंसोलिडेट होने लग जाएगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्शन यही है इसका कि किसी दिन कोई इवेंट हो, ओनली इवेंट के दिन ही ऐसा होता है कि प्राइस एक साइड ही मुँह करके भाग रही होती है रैपिडली, जैसे अभी बजट था तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, या फिर जिस दिन अभी हमारा पिछले मंथ वोटिंग के रिजल्ट आए थे तब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। सो वो इवेंट होते हैं, इवेंट वाले दिन एकदम अलग स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, लेकिन उस दिन आप ये नॉर्मल चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से कि यार मैंने तो ये पढ़ा था ये ऐसे ही होना चाहिए, नहीं वो दिन ही एक्सेप्शनल है, उस दिन आप एक्सेप्शनल चीज़ें ही एक्सपेक्ट करो मार्केट से, उस दिन आप ये नॉर्मल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से कि जो मैंने पढ़ा है थ्योरी में या जो मैंने 90% ऑफ द टाइम देखा है वैसा ही होना चाहिए, वो दिन ही 90% वाला नहीं है, वो दिन ही वो 10% या 2% वाला है जो कभी कभी आता है, तो उस दिन आप वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 90% ऑफ द डेज हो रहा है, राइट। तो ये नॉर्मल दिन की बातें हैं सब। सो अब मैं आपको डिफरेंस यही बता रहा था कि ये आपका क्ल्यू है कि आपको ट्रेंडिंग डे फिगर आउट करना है या फिर आपको ये देखना है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, उसका यही एक सबसे सही तरीका है कि अगर आप किसी ट्रेंडिंग डे का वेट कर रहे हो कि आपको ट्रेंडिंग डे चाहिए, आप ट्रेंडिंग डे देखना चाहते हो उस दिन कैसी मूवमेंट होगी, तो उस दिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी, उस दिन स्लो एंड ईजी कैंडल्स बनेंगी, जैसे कि ये अगला दिन था, ये देखो ये 19 जुलाई है, पूरे दिन भर प्राइस सिर्फ नीचे जा रही थी, राइट 24,800 से लेकर 24,500 तक आ गई, सिर्फ फर्स्ट कैंडल को छोड़कर कोई कैंडल मैसिव नहीं है, एक भी कैंडल मैसिव कैंडल नहीं है, स्लो एंड स्टेडी प्राइस नीचे आ गई, दिस इज़ हाउ द ट्रेंडिंग डे वर्क्स। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो कि जब ट्रेंडिंग डे होगा जब स्लो एंड ईजिली प्राइस नीचे आती रहेगी, रिजेक्शन लेती रहेगी, हर प्राइस को रिस्पेक्ट करेगी, फिर उसको रिजेक्ट कर देगी और फिर उसे जिस जगह पे पहुंचना है वो स्लो एंड ईजिली पहुंच जाएगी, लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं तो समझ लेना कि रिजेक्शन बहुत नियर है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आप रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो और कहाँ पे आप ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत आप इसको अपनी स्ट्रेटजी में अप्लाई कर सकते हो जब नेक्स्ट टाइम आप ये कैंडल्स देखोगे बड़ी कैंडल्स, और उनका मीनिंग निकालना इजी हो जाएगा आपके लिए कि हाँ आप उस कैंडल के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस कैसे मूवमेंट करे। अगर किसी बड़ी कैंडल के बाद ही, दो तीन बड़ी कैंडल के बाद अगर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो देर आर 90% चांसेस कि वो उस वहाँ से रिजेक्शन ले लेगी या सपोर्ट ले लेगी। फॉर एग्जांपल ये वाला था, ये दो बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट था पिछले दिन का हाई और ऑल टाइम हाई, ये रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस से ये टकरा के वापस आ गई, दैट्स हाउ इट गोज, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाई। ऑन दी अदर हैंड जब ये प्राइस वापस आ रही थी तो यही रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था, बट ये नहीं करा क्योंकि वो ट्रेंडिंग डे था और प्राइस ईजिली उसे तोड़ के आ गई आराम से। सो आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको एंड आई बिलीव ये आपको हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग में जब नेक्स्ट टाइम आप ये सारी कैंडल्स देखोगे और आप ये तरीके ढूंढने की कोशिश करोगे कि हाँ ट्रेंडिंग डे के दिन कैसे ट्रेड करना है और बड़ी कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना है, तो आई बिलीव दिस विल हेल्प यू आउट।
सो दैट वॉज ऑल। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और ये आपकी स्ट्रैटेजी को और एनहेंस करे, एंड इसकी प्रैक्टिस करना अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको बार बार अपने चार्ट पे जाके देखना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और जब बार बार आप इसे चार्ट पे देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे ये एक्चुअली कैसे काम करती है, कितनी बार काम करती है, एंड हाउ कैन यू पुट इट इनटू योर ओन स्ट्रैटेजी। सो ये सारी चीज़ें एक बार बैक टेस्ट करना, डायरेक्टली जंप मत करना इसको सीधा अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनपुट करने के लिए, पहले इसको बैक टेस्ट एक बार कर लेना। मैंने कर रखा है लेकिन आप भी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी कमेंट है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क देम इन कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।